खाना पीना खाओ, फटाफट निकलना है, लेट्स गो जल्दी। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। हेलो, आओ चलो खाना स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग ताई जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या बना रहे हो? एक ही खाओ, पेट में चलते होना उसके बाद। तो अभी फिलहाल के लिए बस प्लान ही हो रहा है कि आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कुरुक्षेत्र। तो चलेंगे, अभी नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। बस नाश्ते में इतना सारा चीज़ें, अंडा भी है। अंडा नहीं है, है? चटनी है। अंडा उठा दिए क्योंकि वहाँ मंदिर जाना है ना, तो इसीलिए। ब्रेड भी है, खीर भी है, चटनी भी है, रोटी भी है, कितना खाओ। चलो फिर लेट हो रहा है, आ जाओ भाभी, आ चले फिर निकले। चलो गाड़ी आ गई यार। सरदार जी चलाने को स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन फील पूरा स्कूटर वाला ले रहे हैं, पुराना स्कूटर वाला। देखो वैसे ही लग रहे हैं। कंजेस्टेड जगह में पैरेलल पार्किंग तो हो जाएगी, लेकिन निकलते वक्त ऐसी हालत हो जाती है। फिर ऐसे 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 I still remember when I was really free, and all the things I lived, and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose, yeah. It feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappearing, looking for light. This in the time for you. चलो फिर अब हम बताते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, हम कहाँ आए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग हैं कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा पहले, जोधसर करके एक जगह है। यहाँ पे पूरे महाभारत की झांकियाँ हैं। झांकियाँ बोले तो मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है। जैसे यहाँ पे गीता उपदेश देते हुए रथ है, जिसमें गीता उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। भीड़ लग गई है अभी, थोड़ी देर पहले मैं भी वहीं पर था, बहुत प्यारे है। और प्लस इतनी ह्यूज यहाँ पर एक मूर्ति जो है लॉर्ड विष्णु की, लॉर्ड कृष्ण की, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। अभी हुई नहीं है, अभी चल रहा है यहाँ पर काम, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला। प्लस यहाँ पे पूरा एक ब्यूटीफुल सा, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में मंदिर कह लो इसको, या फिर मतलब पूरे महाभारत की स्टोरी टेलिंग टाइप की यहाँ पे हो रही है। अलग अलग जगह पे से वहाँ पे भी कुछ है, फिर यहाँ पे भी अलग अलग सब कुछ बन रहा है। यहाँ पे मूर्ति है विष्णु जी की, कृष्ण ऐसे करके यहाँ पे अलग 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 झांकियाँ ऐसी हैं पूरे महाभारत की। तो ये मतलब आप कुरुक्षेत्र के अंदर घुसने से पहले ही, जोधपुर उससे थोड़ा पहले, मतलब लगभग पाँच कितना किलोमीटर होगा यहाँ से भी, वो 3-4 किलोमीटर होगा बस मेन कुरुक्षेत्र, हाँ है ना। तो उतने में ही यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको पूरे महाभारत का यहाँ पे झांकियाँ दिख जाएंगी। और ये लेकिन कितना ब्यूटीफुल है, पता नहीं कैमरे में आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने से इट्स डिवाइन। हर तरफ अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये जगह, लेकिन दिस इज़ ब्यूटीफुल। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना, तो वो बैठने वाला इलाका है, और यहाँ पे जो ये है यहाँ पे पक्का मतलब वैसे महाभारत या रामायण ऐसा कुछ लाते होंगे ये लोग, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बिकॉज आई कैन सी स्पीकर्स, आई थिंक वो स्पीकर्स ही हैं जो काउंटर पर लगे हुए ना, वो उधर स्पीकर्स लग रहे हैं। ठंडा है ना पानी, वैसे ही इतना ठंडा हो रहा है ठंडे ठंडे पानी में। ये पता है मम्मा क्या होगा बताओ, ये क्या है? वो सामने बैठने वाली जगह है उधर,
उधर सामने वाली बैठे हुए जगह यहाँ पे कुछ शो चलता होगा, जैसे रामायण वगैरह चलाते होंगे। ये जी पूरा ये दीवार है ना, इस पे यहाँ वहाँ पे देखो स्पीकर्स भी दिख रहे हैं ऊपर। ऐसे हाथ पैर को शुरू उतरा देना, हाँ ऐसे उठाओ, हाँ सुर ये दूसरे को नहीं चढ़ा रहे हैं। अरे समझदार हो। क्यों नहीं आ रहा इधर पानी वाला माँ? भूख लग गई। यहाँ भूख लग गया इसलिए इधर पानी नहीं है, उस तरफ पानी है। क्या करना है, पूरा दिन घूमना ही तो है। 12 ही तो बजा है। अब देखते हैं। यहाँ बैठो। अच्छा वो देखो बतख, इधर आ जाओ जल्दी, कोई आओ। वो देखो, देखा आपने मुझे बतख है। हाँ। पानी के अंदर गया था अभी। हाँ। अंदर से मच्छी ढूंढ के लाया, देखना अभी डूबेगा। ये गया, गया। देखा मच्छी लेके आएगा ऊपर। ये आया, यहाँ निकल गया। क्या? पानी में जाएगा अभी, देखना वो गया अभी मच्छी लेके निकलेगा। कहाँ निकलेगा बताने? प्राचीन शिव मंदिर, बाहरी आक्रमणों के साक्षी, एशियन शिवा टेम्पल विटनेस ऑफ फॉरेन अटैक्स। चलो भाई अभी हम लोग घूम के तो आ गए हैं यहाँ पे, जो सर घूम चुके हैं, अब थोड़ा सा थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। मस्त लेमन सोडा, ये बहुत अच्छा हो रहा है, खट्टा खट्टा। एक सूप लेकर देखो, मेरा लुटी गया, एक और बनवाओ। लिखा हुआ पूरा बाण गंगा तीर्थ दयालपुर, यहाँ पर भीष्म पिता को जल पिलाया गया था। इस स्थान पर भीष्म पितामह को महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था, जिस कारण इस स्थान का नाम बाण गंगा पड़ा। वो देखिए वहाँ पर भीष्म पितामह जी हैं, इधर हनुमान जी उनकी रखवाली करते हुए भीष्म पितामह की, और यहाँ पर बाण मारकर पानी निकाला गया गंगा माता का, ताकि यहाँ पे भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया जा सके। अभी वहाँ से आ चुके हैं, अब बाण गंगा घूमते थोड़ी देर, तो यहाँ से पूरी की पूरी रणभूमि है। ओके तो स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे लड़ाई हुई हो। एलेक्सा दरवाजा खोलो। एलेक्सा दरवाजा खोलो। हाँ हाँ उस समय तो पूरा एक मैदान था, एक खाली मैदान, कुरुक्षेत्र की मिट्टी। लेट्स गो। तो भाई अभी हम लोग आए हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है कल से, तो वहीं की तैयारी चल रही है बस ये। तो अभी हम लोग इसी जगह पे आए हुए हैं, और प्लस मैं ये पढ़ रहा था, आप लोग भी पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके पढ़ो, लेकिन ये पढ़ो ज़रा, कितना अच्छा लिखा गया है। गीता का सार है ये एक तरह से, तो अच्छा है। अरे मछली का खाना है वो, खुद खा रहे हो? किसने बोला? मैं दे रहा हूँ। तो मैं हाथ दूंगा। मछली का खाना, हम मछली खा नहीं रही है, मछली को दिया हमने सबके सामने, मछली खा नहीं रही, हम ही खा लेते हैं, बर्बाद क्या करना। हम लोग इतने दूर जाने की सोच रहे हैं पैदल। चलो सिर्फ सती विवाह, पार्वती नहीं, सती विवाह हो कहाँ पाया था, लेकिन सती विवाह कहाँ हुआ था? पार्वती से विवाह हुआ था ना? नहीं अच्छा अच्छा विवाह हो गया था, फिर वापस वो वापस आए थे उसी वक्त हुआ था, या फिर बोलो बाद में आए थे, यज्ञ करवाया तो शिव जी को नहीं बुलाया था, तो ये अपने मन से कह दी माइक। Do you miss me so much? I think back to who I was.
हाँ तो भाई चलो अभी हम लोग ऑटो में आए क्योंकि हम लोग पैदल चले गए थे, दूर चले गए थे और वो लोग थक गए थे, तो अभी हम लोगों ने कहा चलो यहाँ तक आते हैं ऑटो में, ऑटो में आके यहाँ से कार उठाते जाते हैं। भैया जी पीछे कुछ खा पी रहे हैं, तब तक मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ जाता हूँ। मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, मेन चीज़ ये हो जाती है ना कि सब कुछ इसी फ़ोन पर है, इसी फ़ोन से मैं GPS भी चला रहा हूँ, इसी फ़ोन से गाने भी बज रहे हैं, इसी फ़ोन से व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। 6% चार्ज है इसमें, सो इसमें चार्ज लगाते हैं। अब हम आए हैं म्यूजियम, श्री कृष्ण म्यूजियम, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण संग्रहालय। हम भी उधर गए हो, तो हम वहाँ से देख रहे थे ना। हाँ मंदिर वही तो है, टिकट काउंटर सामने, टिकट काउंटर। तो बेसिकली यहाँ पे हर जगह से, इंडिया में हर तरफ से नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो मथुरा हरियाणा और सनकिन सिटी द्वारका में जो है, उन सब जगहों पे जो जो आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे उन सबको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है इस म्यूजियम के अंदर, तो कितना ब्यूटीफुल होगा और जगह देखते हैं। वैसे फ़ोन में चार्ज कम है तो देखते हैं कि अपना मुझे कैमरा स्विच करना पड़े। इंडस सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री की बुक में क्लास 9th में, उसके यहाँ पे अवशेष हैं। ऐसे इतने देखो, इतने हैवी हैवी वो, मतलब तब भी श्रृंगार करना ज़रूरी था। इससे क्या साबित होता है, सुन रहे हो मम्मा, देख रहे हो, मतलब इतने एंशंट टाइम में भी औरतें अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए पत्थरों को टटकाया करती थी गले में। देखो उस टाइम पर भी मेकअप का ज़माना हुआ करता था, देखो गले में पहनने के लिए। मेरा चार्ज नहीं है बट यकीन मानो इस म्यूजियम में को बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि श्री गणेश के वाइफ्स का नाम वृद्धि और सिद्धि है, प्लस श्री कृष्ण के 9 बच्चे थे जिसमें से एक जनरेशन जो थी, मतलब एक जो बच्चे थे उनकी फिर फैमिली आगे बढ़ी, बाकी की फिर फैमिली का या तो नाम नहीं है या तो लिखा नहीं है, आई डोंट नो, बट जो मैंने पढ़ा उनकी फैमिली इस तरफ भी, मैंने इस तरफ भी चला। मैंने स्क्रिप्ट कुछ पढ़ना चाहोगे, मैंने स्क्रिप्ट आज से कितने साल पुरानी बुक्स हैं यहाँ पे, भगवत पुराण, ये पर भगवत पुराण है, सबसे कथा ब्रज बोली में लिखी है, ये भी ये फारसी में। वैसे अब ये सब पुराण हो गए, ये सब जो थे ये असली में वहाँ रखे गए थे, तक्षशिला लाइब्रेरी, लेकिन फिर वो जला दी गई। गोपियों संग राज रचा रहे हैं श्री कृष्ण, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण है, सब उनके नजरों में ही हाँ ना कृष्ण होते हैं, गोपियों के क्या देख रहे हो, क्या है इसमें, दिखाओ मेरे को भी देखने दो, इसको ऊपर रखो उसके ऐसे नहीं, ये ऊपर की तरफ को जाता है, चढ़ाई में चढ़ रहा है, चढ़ाई में गौर से देखो, समझे, जबकि इसको साइड में रुक जाना चाहिए देखा जाए तो ना, रुको 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 रुको, मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, हाँ आया चक्कर आया, किसने देखो इसको घुमा देते हैं, हाँ घुमा रहे, चक्कर आ रहे हैं, कहाँ घुमा रहे, हाँ इसको उठाओ, अभी वेग सेम है जबकि, अब उसको उठाओ, वेट उतना ही है, तभी तो इसलिए तो दरवाजे का हैंडल इस तरफ क्यों, सबसे कोने में क्यों बनाया जाता है, कुछ नहीं होता है, अरे कुछ नहीं होता है, करो चलो,
दो कोई नहीं, उल्टी कर लेना फिर पानी पी लो उधर सर। इंडिया का मैप घुमाओ उधर को, वही है वही है, उसी तरफ है आपके हाथ की तरफ। मिला कौन सा वाला दिखाओ, बताओ कौन सा है, उधर ही है ये रहा है। क्या रहा है, कहाँ है, उंगली लगाओ उस पर, कौन सा वाला बताओ बाबू। ये है पूरा, ये है मैप, ये वाला पूरा मैप है इंडिया का, ये अरे कहाँ से है ये। चलो भाई अभी हम आ गए हैं घूम फिर के पैनोरमा। हाँ वो तो देखा, स्टार्टिंग में देखा था ये वाला, ये तो ये था भाई कुरुक्षेत्र का पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ में भी है, आप लोग शायद विजिट करा भी होगा, तो सेम लगभग वैसा ही है, अंदर से कुछ इक्विपमेंट बस थोड़े से ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़े कम थे। ऐसे यहाँ पे पार्क भी है जैसे वहाँ पर है, उसमें मतलब अलग अलग सबके पीछे का साइंस है, और वो उस तरफ जहाँ से हम सबसे पहले आए थे कृष्ण, जो कृष्ण गैलरी थी मतलब कृष्ण म्यूज़ियम जो था वहाँ से। इस वाले के अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे तो मैंने ब्लॉग नहीं किया, बाकी अगर आप लोग किसी भी साइंस सिटी के अंदर गए हैं तो वो सेम मतलब वही चीज़ें थी, मैक्सिमम चीज़ें सेम थी, लेकिन वो वाला बहुत ख़ास चीज़ थी वहाँ पे। अगर आप ज़रा से भी महाभारत रामायण या फिर इन सब में अगर आप इन सब को अगर फॉलो करते हैं, इनको पढ़ा है आपने, तो बहुत मज़ा आएगा उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उस टाइम की, रियल चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो मतलब बहुत कमाल की चीज़ है। चलो भाई बहुत सारी जगह घूमने के बाद अब हम आए हैं एक और मंदिर, इसका नाम हमने देखा नहीं, बस हमको रास्ते में दिख गया तो हम लोग अंदर को आ गए, और मतलब बिल्कुल जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा ना वैसे वाला मंदिर, बिल्कुल डिवाइन सा, बहुत अच्छा सा, मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्ट्स कुछ, ये देखो। I still remember when I was really free and all the things I lived and the mirrors, all the things that I left, I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away, I finally choose, yeah. ये देखो भाई व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग, और व्लॉग के एंडिंग में ऐसी जगह पे कर रहा हूँ, अभी कुरुक्षेत्र का व्लॉग था लेकिन पहाड़ों में एंड हो रहा है, तो ऐसा कुछ था हमारा कुरुक्षेत्र में दिन। अभी जस्ट सोके उठा हूँ, एडिटिंग कंप्लीट करी है, तो मैंने देखा कि मैंने उसका लास्ट में व्लॉग को एंड नहीं किया था, तो सोचा अभी कर लेते हैं। इसके बाद वाले व्लॉग जो है वो और भी कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि अब हम पहाड़ में जाने वाले हैं, पहाड़ में ट्रैवल होने वाला है। ऑल्दो मैं शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी, हम लोग आ चुके हैं घूम फिर के, कहाँ घूमे थे ये आप लोगों को वैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो पता चल चुका होगा। आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग्स में, तो देखो अभी भी जब सोके उठा हूँ, सिर्फ एक इनर पहना हुआ है, ऊपर जैकेट डाला सिर्फ बाहर आने के लिए, एंडिंग करने के लिए। ठंडा हो रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला ठंडा हो रहा है। नज़ारे तो क्या बताएं, नज़ारे आपको अगले वाले व्लॉग्स में दिखेंगे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हो तो, और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज़ दीजिए, प्लस वीडियोस को लाइक कीजिएगा। विद दैट सेट फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना भी अपने घर वालों का भी।